भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी दोनों ही स्ट्रेंथेबल एलियन हैं, दोनों ही बिना साबुन के कई पावरफुल विलन्स को धो चुके हैं। लेकिन भाई क्या हो अगर ये दोनों पावरफुल स्ट्रेंथेबल एलियन एक दूसरे से ही फाइट करें तो इस फाइट का विनर कौन होगा? तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई पहले हम बात करेंगे अल्टीमेट कैनन बोल्ट की। इसकी स्पीसीज है अर्व्यूरियन पेलारोटा। भाई प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है इसलिए ऑलरेडी सॉरी। अल्टीमेट कैनन बोल्ट के पास एन इन स्ट्रेंथ, एन इन ड्यूरेबिलिटी, एन इन एजिलिटी, एन इन स्पीड, एन इन जंपिंग, एन इन रिफ्लेक्सेस, एन इन डेक्सटरिटी और एन इन बैलेंस जैसी एबिलिटीज। रुको रुको, मैंने अभी क्या बोला? बैलेंस। अरे भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट भैया मैं आपके पैरों में गिरता हूँ यार, मेरा बैलेंस खत्म होने वाला है यार, डलवा दो प्लीज भैया। अबे ओ गरीब, अभी तो वीडियो बना रहा है, ये सब फालतू की बातें बात ना कर लियो। वैसे भी वो बैलेंस है ना कि बैलेंस, चल निकल। अब देखो यार अल्टीमेट कैनन बोल्ट के साथ ना इंसाफी ना हो इसलिए मैं एन इन रिकोचेटिंग को कहना भूल गया था, लेकिन भाई अब बोल देता। इसके पास स्पाइक द सेल, स्पाइक प्रोजेक्टाइल्स और स्पीयर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एबिलिटीज भी हैं। इसके पास एनवायरमेंटल परसेप्शन, एनर्जी डिफ्लेक्शन नॉट एनर्जी रिफ्लेक्शन ओनली ऑन एनर्जी डिफ्लेक्शन। और भाई इसके पास मोबाइल इनवर्नेबिलिटी। भाई कुछ भी हो यार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन जिसकी खराब है वो मैं ही हूँ यार। इसके शार्प टीथ, शार्प क्लॉस, रेडिएशन इम्यूनिटी, एसिड इम्यूनिटी और लिमिटेड स्पेस सर्वाइबिलिटी जैसी एबिलिटीज भी हैं। भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट का सेल या फिर कहें आर्मर उसके ऑफेंस और डिफेंस दोनों को ही काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। भाई जब अल्टीमेट कैनन बोल्ट स्पिन करता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वैसे भी यार ये अपने अपोनेंट को ज्यादातर स्पिन करके ही मारता है। भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट के पास एन इन बैलेंस है। भाई इसके स्पाइक्स इसके बैलेंस को बनाए रखने में काफी हेल्प करते हैं। भाई इसका बैलेंस खराब नहीं हो सकता है। भाई देखो एपिसोड्स में अल्टीमेट कैनन बोल्ट ने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन वो अपने स्पाइक्स को प्रोजेक्टाइल्स के फॉर्म में आग लगा सकता है। मतलब भाई आप सोच सकते हैं कि उसके स्पाइक्स में जब फायर लग जाएगी तो यार वो कितना पावरफुल हो जाएगा यार, उसके सामने टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यार जैसे डायमंड हेड अपने क्रिस्टल को शूट करता है वैसे ही अल्टीमेट कैनन बोल्ट भी अपने फायर लगे हुए स्पाइक्स को शूट कर सकता है। भाई अब बात करते हैं अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की। इसकी स्पीसीज है एवॉल्वड अरेचिनी चिम। वाह वाह, इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन मैंने कहीं नहीं देखी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी प्रोनाउंसिएशन तेरी ही है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास एन इन स्ट्रेंथ, एन इन ड्यूरेबिलिटी, एन इन एजिलिटी, एन इन स्पीड, एन इन रिफ्लेक्सेस, एन इन डेक्सटरिटी, एन इन जंपिंग और एन इन हियरिंग जैसी एबिलिटीज हैं। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास रिसोर्सफुलनेस, वीविंग स्पीड, वॉल क्लाइंबिंग, शार्प रिट्रैक्टेबल स्पाइडर लेग्स, मल्टीपल आर्म्स, मल्टी हैंग्ड जॉस जैसी एबिलिटीज भी हैं। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास रेडिएशन इम्यूनिटी भी है और भाई ये एक लिमिट तक स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि दोनों ही एलियन लिमिट तक स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। भाई इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई क्या आपको पता है कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी एक टेट्रामैन यानी कि एक फोर आर्म्स तक को डिफीट कर सकता है। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपने स्पाइडर वेब्स को अपने माउथ और अपनी टेल दोनों से ही शूट कर सकता है। इसका स्पाइडर वेब इतना पावरफुल है कि उसे एक बैक्सासोरियन यानी कि ह्यूमंगसोर और एक ऑरिशन यानी कि वाटर हैजर्ड जैसे पावरफुल एलियंस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। भाई अपने सॉक्स कोच भैया के इलेक्ट्रिकल अटैक्स भी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपने स्पाइडर बीब्स का यूज अपने डिफेंस के लिए भी कर सकती हैं और भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बिलगैक्स ने इसे हवा में फेंक दिया था तब भी इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी काफी तेजी से रन कर सकता है और हाई जंप लगा सकता है। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और भाई ये कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। तो भाई फाइनली अब बात करते हैं कि अल्टीमेट कैनन बोल्ट वर्सेस अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में से बेस्ट और पावरफुल एलियन कौन है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की ड्यूरेबिलिटी एक लिमिट तक है, लेकिन भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट की ड्यूरेबिलिटी लिमिट तक नहीं है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मर है। भाई अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन भाई जब हमारे कैनन बोल्ट भैया भी स्पिन होते हैं तब उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। और भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट ने अभी तक जिस पावरफुल मूव को यूज नहीं किया है वो मूव तो यार मतलब यार कतई जहर है। मतलब यार अल्टीमेट कैनन बोल्ट अपने स्पाइक्स में फायर लगा सकता है जिस तरह डायमंड हेड अपने हैंड से क्रिस्टल को शूट कर सकता है, वैसे ही स्पिन होते हुए अल्टीमेट कैनन बोल्ट भी अपने स्पाइक्स को शूट कर सकता है। देखो यार मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेट कैनन बोल्ट की पावरफुल स्पिनिंग, बाउंसिंग, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के सामने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी टिक सकता है। और भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट के फायर स्पाइक्स प्रोजेक्टाइल अटैक के सामने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी नहीं टिक सकता है क्योंकि भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी एक लिमिट तक ही है। तो भाई मेरे ओपिनियन से तो अल्टीमेट कैनन बोल्ट इस फाइट का विनर होगा। यार आपको क्या लगता है यार प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।